शेरी ग्रामर स्कूल मोंटेसरी द मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, खूबसूरत आरामदा और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाजों के मुताबिक ऑडियो वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शावली नगर, कैंपस 2 रहमत चौक, फोन 02133661749, 02136406946। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथ्स यूनिट 6 एलजेब्रिक सेंटेंसेस, इसमें पेज नंबर 137 में एक्सरसाइज नंबर 6.1 में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन 1 देखें आप, 1 का 1, 6/2x-5 - 4/x-3=0। एलजेब्रिक सेंटेंसेस है, इसको सॉल्व करना है। इक्वल के बाद 0 है, आप आसान ये है कि आप इक्वल को 0 ख़त्म करें। एक्स अपॉन 2x माइनस का 5 इक्वल माइनस, इधर आके इसको प्लस कर दे, x माइनस 3, ये माइनस है, इक्वल के उधर जाकर क्या हो गया, ये प्लस हो गया और इसका माइनस, इसका 0 इक्वल के बाद जो 0 है वो ख़त्म हो गई वैल्यू। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले, बीच में इक्वल का साइन है, फ्रैक्शन नहीं है, इक्वल है, तो हम एलसीएम मेथड से नहीं करेंगे बल्कि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कर लें। लिख लें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 को मल्टीप्लाई करें एक्स माइनस 3 के साथ, बीच में इक्वल डालें, 4 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस का 5 मल्टीप्लाई करें, 6x, 6 3 18, 4 2 8x, प्लस माइनस माइनस, 4 5 20, वेरिएबल कर लें। एक्स की वैल्यू को एक्स के साथ ले जाएं, नंबर्स को नंबर के साथ ले जाएं, क्या करें, 6x प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस एक्स, 8x इक्वल 20, माइनस 20 और माइनस प्लस, माइनस है लेफ्ट साइड पे जाकर, राइट साइड पे जाके 18 प्लस में आ जाएगा। देखें यहाँ पर 6x प्लस है, इधर आके माइनस हुआ, ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस कर दें, 20 में से 18 माइनस करें माइनस का 2, और 6x में से माइनस 18 करें माइनस का 2x, माइनस माइनस दोनों कैंसिल आउट करें, एस की वैल्यू को बाहर निकालें, 2/2 = 1। इसमें आप लिख दें एंड में सॉल्यूशन सेट इज, सॉल्यूशन इज, ये सॉल्यूशन सेट इज, इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम मेथड से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट करें इसको। टू एक्स माइनस 3/5 इक्वल एक्स माइनस 2/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
टू मल्टीप्लाई बाई टू एक्स माइनस थ्री इक्वल फाइव मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस टू, टू टू जो फोर एक्स प्लस माइनस माइनस टू थ्री जो सिक्स फाइव एक्स फाइव टू जो टेन माइनस वेरिएबल कर ले। वेरिएबल कर ले 4x माइनस का 5x इक्वल माइनस का 10 प्लस का 6 प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 माइनस करें माइनस का 4 और 4x में से माइनस कर दें 5x को तो क्या आएगा इसका माइनस का x आएगा और माइनस माइनस दोनों को कैंसिल आउट कर दें तो आंसर क्या आएगा इसका 4। सोल्यूशन सेट इज x इक्वल 4। इसी मेथड से आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। यूनिट नंबर 6 में ही एक्सरसाइज नंबर हमारा 6.8 है। और क्वेश्चन नंबर इसका 1 करेंगे हम। स्ट्रेंथ क्लास 8 पेज नंबर 150 150 यूनिट 6 एक्सरसाइज नंबर 6.8। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला पेज 152 एक्सरसाइज नंबर यूनिट 6 है एक्सरसाइज 6.8 है। इसके सवाल सॉल्व कर रहा हूं मैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इसमें आप अपने बुक के अंदर देखें सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको हम लिखेंगे और उसी के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। थ्री एक्स स्क्वायर इसमें वैल्यू दी हुई है। ये असल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल का जीरो। उस फार्मूले के उस इक्वेशन के तहत इसकी वैल्यू निकलेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल का जीरो। उस इक्वेशंस के तहत एक फार्मूला है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। इसमें सबसे पहले ए की वैल्यू बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आप लिख लें। यह थ्री ए स्क्वायर माइनस टू एलेवन माइनस का 15 ये सवाल है हमारा। द वैल्यू ऑफ ए की कीमत ये बी की कीमत और ये सी की कीमत। तो ए द वैल्यू ऑफ ए की कीमत जो है वो है 3 कॉमा बी की कीमत है माइनस 12 कॉमा और सी की कीमत है माइनस का 15। अब बाई यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन का 2 ए एक्स ले लें। ये फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2 ए। और मैंने आपसे कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तहत द वैल्यू ऑफ ए बी सी निकला है। तो ए आपके पास 3 है बी माइनस 12 है सी प्लस भी हो सकता है माइनस भी। आपके सवाल दिए हुए हैं आप इसको वैल्यू को अपने मेथड के रास्ते सॉल्व करें।
माइनस बी, माइनस फार्मूले का लिया, बी की कीमत माइनस का 12, प्लस माइनस फार्मूले का आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की कीमत है 144, माइनस 12 का होल स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, माइनस का फार्मूला 4, ए की कीमत है आपके पास 3 और सी की कीमत है माइनस का 15, इसको रूट के अंदर लिखें, अपॉन में डाल दें, 2 लिखें और ए की कीमत है आपके पास 3, सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 12, अगर प्लस नहीं लिखना चाहें तो वैसे ही कर दें, माइनस लिखें, 12 का स्क्वायर पॉजिटिव रियल नंबर है, स्क्वायर करेंगे 12 का तो हमारे पास आएगा 4144, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12 और 12 15 वो आ जाएगा 324, 15 3 45 और 45 4 ये आएगा आपके पास आंसर, वो आएगा 180, ये आसान तरीका देख लें, 15 3 45 और 45 4 45 1 45 45 2 90 और 45 3 फिर 45 4 180, तो 90 90 180 हो गया, तो और माइनस है ये, माइनस माइनस प्लस कर दिया आपने, ये आ गया 180, रूट के अंदर डालें इसको, अपॉन में क्या आएगा 2 3 6, 12 प्लस माइनस 144 को 180 के साथ प्लस कर दें, 144 को 1 किसके साथ प्लस कर दें, 180 से साथ, ये आएगा 324 डिवाइडेड बाय ये, अब 324 का रूट निकाल लें, इसका रूट निकालने का तरीका देख लें, वर्किंग कर लें, यहाँ पर ये मैं वर्किंग कर रहा हूँ, रफर जिसको आप कहते हैं जी, एलसीएम मेथड से भी हो सकता है, 2 से करें, 2 16 32, 2 2 4, फिर करें 2 से, 2 8 2 और 9 9 81 और 9 1 9, ये 16 2 32, 2 2 4, 8 2 16, 2 1 2, 9 9 81, ये आपके पास आ गया, अब इसका पेयर किसका मौजूद है, 2 2, आप इसको इस तरह सॉल्व करना चाहे तो कर लें, इक्वल यहीं कर देता हूँ, 12 प्लस इसका स्क्वायर रूट कितना निकला, 2 मल्टीप्लाई 18, ये आ गया, अब जिसका पेयर होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लिख लेंगे, इस तरह हम करेंगे, इसको क्या आ जाएगा, आगे सॉल्व कर लें, यहाँ पर मैं इसको लाइन खींच के यहीं पर कर रहा हूँ, टू मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल 12 प्लस 9 अपॉन 6, इसको एक दफ़ा प्लस में कर लें, एक दफ़ा माइनस में, प्लस में कर लें, 9 2 18 आ रहा है, 18 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 6 और 12 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 6, सॉल्व कर लें इसको, 12 को 18 से प्लस करें कितना आएगा, ये 30 और 18 को 12 से माइनस करें आएगा माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल माइनस का 1, ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन सेट इज, इसको देयरफॉर करके सॉल्यूशन सेट इज क्या है आपके पास, 5 और माइनस का 1, ये इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक, ये आप इसको नीचे कर लेंगे क्योंकि मैंने वर्किंग कर लिया, फिर मैं एक दफ़ा इसको कर देता हूँ यूनिट 6 में, एक्सरसाइज नंबर 6.8 में सॉल्यूशन है, 3x² - 12x - 15 = 0, द वैल्यू ऑफ ए, ए बी सी, 3 - 12 - c, फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक, x² - b + b² - 4ac, b² की कीमत 12 का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, माइनस माइनस प्लस
15 3 = 45, 45 = 180, 180 + 144 = 324 / 2 = 6 इन इसका स्क्वायर रूट निकाल लें आप। इस तरह स्क्वायर रूट निकाला है, कितना ऐसा स्क्वायर रूट आया, 18 आया। अब 18 आपको इस तरह किया है, 18 + 20 = 12 = 30 और 30 को डिवाइड करें 6 के साथ, 5 के साथ, और 18 को 12 से माइनस करें, माइनस का 6, ये आंसर आ गया आपका हमारा। ये हमारा यूनिट नंबर 6.8 में, ये चैप्टर में हमारा लास्ट यूनिट है 6.8 में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके सवालात हैं जो आप अपने असाइनमेंट में देखेंगे, और सेम मेथड से बनाएंगे इसको, और सेम मेथड से आप बनेगा क्वेश्चन 1, 2, 3, 4। और इसमें हमारे पास इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको आप याद रखेंगे, इसी मेथड से इसको आप सॉल्व करेंगे।